हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे बॉस्टन में इस्कॉन है जहाँ पे हम यूजुअली जाते हैं वीकेंड्स में, एंड उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था रथ यात्रा। तो ये था मेरा आउटफिट। एंड जो रथ यात्रा थी वो बॉस्टन में ही केम्ब्रिया स्ट्रीट से शुरू हुई थी एंड बॉस्टन कॉमन पे एंड हुई थी। तो बॉस्टन कॉमन हमारे डॉर्म मतलब हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये है बॉस्टन का पब्लिक गार्डन जो बॉस्टन कॉमन के जस्ट ऑपोजिट है, एंड इस्कॉन भी यहाँ से बहुत पास है। तो हम आ गए थे यहाँ पे पब्लिक गार्डन में बिकॉज़ रथ यात्रा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी एंड अब रथ वापस बॉस्टन कॉमन आ रहा था। बट मैं पब्लिक गार्डन भी शायद पहली बार ही आई थी क्योंकि बॉस्टन कॉमन्स तो मैं गई थी, बट पब्लिक गार्डन में भी काफ़ी भीड़ थी आज। तो क्योंकि ये वीकेंड था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, एंड ये अब हम आ गए हैं बॉस्टन कॉमन्स में। एंड ये यहाँ पे इस्कॉन वालों ने एक फेयर टाइप लगा रखा था, जो साइड में ऑरेंज दिख रहा है वो रथ है। एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए थे और खाना पीना था, तो काफ़ी सारे चीज़ें एक्टिविटीज़ थी फन एक्टिविटीज़ करने के लिए। कहाँ से? यहाँ से सबसे पहले तो हम गए दर्शन करने के लिए और वहाँ पे हम कुछ लोगों से मिले, हाथ जोड़े, एंड फिर हमने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे क्या क्या है। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टॉल्स थे, एंड ये है खाने की लाइन। जो इनका प्रसाद मिल रहा था उसकी लाइन इतनी लंबी थी, यहाँ पे आके लगता है कि बहुत लोग हैं, ये बहुत इंडियंस हैं बॉस्टन में। एंड ये था वहाँ का प्रसाद। और फिर मैं देख रही थी कि क्या क्या है, तो यहाँ पे एक लोकल इंडियन वेयर या फिर रिलीजियस स्पिरिचुअल वेयर टाइप की दुकान थी, एंड काफ़ी सारी मालाएं और ये सब थी। फिर यहाँ पे एक पेंटिंग्स वाली शॉप थी, एंड यहाँ पे हेना भी मतलब मेहंदी भी लगवा रहे थे लोग, तो मेरे को भी मन था मैं, लेकिन यहाँ बहुत लंबी लाइन थी। एंड जब तक मेरा नंबर आया तब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया था क्योंकि हमें वॉक करके जाना था एंड कहीं बारिश तेज़ ना हो जाए। फिर वापसी में थोड़ी बारिश बढ़ गई थी तो हम इस्कॉन में रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे वो भी पर्दा भी खुला हुआ था अभी दर्शन के लिए। ये है 4th of July के फायरवर्क्स जो रात को यहाँ पे 10:30 से 11 बजे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को यहाँ का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन भी दिखा देती हूँ जो कि अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ था, एंड काफ़ी डिफरेंट होता है यहाँ का सेलिब्रेशन। यहाँ लोग बहुत से पिकनिक करते हैं पूरा दिन, एंड रात को फायरवर्क्स और म्यूजिक इंजॉय करने आते हैं। तो कुछ इस तरह से एंड हुआ था मेरा 4th of July वाला दिन।
you like this video, don't forget to like, share and subscribe.